गुड मॉर्निंग भाई लोग, वेलकम बैक टू दी चैनल। राम राम सबने। आगे वही वापस। तो अभी हम एक रिवर के अंदर चल रहे हैं। ये क्या है कि नायग्रा फॉल्स के पास एक रिवर है, वैलेंट कनाल बोलते हैं इसको, इसमें चल रहे हैं अभी हम। इसके अंदर शिप चलता है तो लॉक जैसा सिस्टम बना रखा है इन्होंने, ये देख रहा है सामने। तो अपना शिप पीछे है, ये हम यहाँ से ऐसे सामने इसमें घुसेंगे अब लॉक में, इसके अंदर। फिर क्या करते हैं, इस लॉक में पानी भर देते हैं पूरा ऐसे, फिर शिप उसके साथ ऊपर उड़ जाता है। तो एक तरफ दरिया समुंदर का लेवल नीचे, एक तरफ समुंदर का लेवल ऊपर है। तो जहाज को दूसरी तरफ ऊपर चढ़ाने के लिए सिस्टम बना रखे हैं इन्होंने। लगभग 9-10 लॉक हैं ऐसे लंबे लंबे, तो ऐसे जहाज चलता है। यहाँ अभी भाई सुबह हो गई है, सुबह आके देख लो टाइम, 6:45 हुए हैं अभी। और हमको लगभग जगे हुए ऑलमोस्ट 15 मिनट के बाद 24 घंटे हो जाएंगे। मीटर चालू है कंटिन्यू। यहाँ भाई ऐसे ही होता है यार, हालत ख़राब तो होती है, हार्ड वर्क है ये सिस्टम है। और अभी पूरे दिन जगना है, और पूरा दिन जहाज की लैंग्वेज में बोलेंगे तो टंटू यही है। और बाकी ये देख लो, लोग दिखा देता हूँ कैसा दिखता है सामने से। देखो जी ये सुरंग है, इसमें घुस जाता है जहाज। ये सामने जो दिख रहा है दरवाज़ा है, अब जहाज इसमें घुस गया, पानी ऊपर उठ जाएगा ऐसे। पानी उठने के बाद फिर वो सामने वाले दरवाजे हैं वो खुल जाएंगे, फिर जहाज आगे चलता है। अब चलेंगे आगे तो दिखाऊंगा। अपने साथ बोसन है, हम दोनों खड़े हैं यहाँ पे, हमारी टीम है साथ में। तो जी ये देखो, अब लॉक भर गया है पानी से, और अभी भी भरने लग रहा है। नीचे देख रहे हो पानी, ये क्या करते हैं, उधर का जो पूरा पानी है ना, वो पानी अपने आप इधर आता है नीचे से पाइप के थ्रू, और तो यहाँ भी भर जाता है अपने आप। तो दोनों तरफ जब इक्वल लेवल हो जाएगा ना, तो ये दोनों दरवाजे खुल जाएंगे, और ये ब्रिज है ये ऊपर उठ जाएगा, फिर अपना जहाज इसके अंदर से निकल के आगे। टेक्नोलॉजी देखो यार क्या बनाई हुई है। और ये अभी का नहीं है, बहुत पुराना है ये, पता नहीं कितने एक साल पुराना है यार, कम से कम मतलब 30-40 साल तो मेरे ख्याल से होगा ही। तो उस टाइम पर ये चीज़ें बनाना। देखो गाड़ियाँ जा रही हैं सामने से, अब ये खुलेगा ब्रिज, फिर देखना। ये खुलने लग गया भाई दरवाजा, देख लो ऐसे खुलता है। अब थोड़ी देर बाद ये सामने ब्रिज है, ये भी उठेगा ऊपर, फिर चलेंगे हम। कॉफ़ी भी ख़त्म होगी अपनी यार, खड़े खड़े सुबह की कॉफ़ी। ओ ये बजा दिया सायरन, हुई हुई ये देखो, अरे फाटक बंद कर देंगे दोनों तरफ के, वो बंद हो गया उधर का। तो अब थोड़ी देर में उठा देंगे इसको। ब्रिज फॉरवर्ड गेट फुल ओपन, ऑल क्लियर फॉरवर्ड।
घुसेगा ना अभी, तो ये सक्शन पैड जैसे बनाए हैं इन्होंने। यहाँ क्या होता है, शिप यहाँ आ जाता है तो ये चुंबक जैसे हैं, ये लग जाते हैं हमारे शिप के ऊपर और उसको पकड़ लेते हैं ऐसे, तो हिलने नहीं देते। फिर पानी भरता है ना तो जहाज ऊपर आता है इनके साथ साथ। यहाँ पे इन्होंने ये बना रखा है दर्शन करने के लिए, जहाज दर्शन के लिए। अभी तो कोविड के लिए बंद है, ये कोविड है इसलिए, नहीं तो यहाँ बहुत लोग आते हैं जहाज देखने के लिए। जब शिप यहाँ अंदर घुसता है ना लोग में, तो इतने लोग आ जाते हैं देखने की। दूसरा जहाज है भाई, वहाँ से उस तरफ से बाहर जाने का रास्ता है, इस तरफ से अंदर जाने का। यहाँ से हम अंदर जा रहे हैं, वो दूसरा शिप है वो बाहर जा रहा है वहाँ से। तो हम यहाँ से अंदर जा रहे हैं तो हम ऊपर उठेंगे ऐसे, और वो बाहर जा रहा है तो वो नीचे बैठेगा, नीचे बैठ के फिर जाएगा। भाई ये आदमी खड़ा है, ये अंदाजा लगा लो कि ये क्रेन कितनी बड़ी है। इसका ब्लॉग देखो कितना बड़ा, और आदमी कितना बड़ा है। हेलो कर दिया भाई को। ये इन्होंने एक कनाडा का झंडा लगाया है, एक यूएस का झंडा लगाया है। वो इसलिए लगाया है कि हम जिस रिवर में चल रहे हैं, इस रिवर के एक तरफ कनाडा है, एक तरफ यूएस है। तो जिस तरफ कनाडा का झंडा है उस तरफ कनाडा, जिस तरफ यूएस का झंडा है उस तरफ यूएस है। सब शिप ऐसे ही लगाते हैं, तो ये कंट्री की रिस्पेक्ट है। ये देखो भाई अपना चल रहा है लोग में, तो ये देख लो जी हमारे पीछे ये है दीवार, और इसको फाड़ के जाना है उधर, और ये हमारा जहाज है पीछे। तो अब हमारा जहाज इस गेट, ये गेट खुल जाएगा, तो ये गेट खुलने के बाद फिर हम चले जाएंगे उधर। ये वही शिप है जो अभी हमने देखा था। अब हमारा शिप जो है वो ऊपर उठ के आगे आ चुका है पानी में, और वो शिप नीचे बैठ चुका है, नीचे उधर वाले लोग से आके इधर नीचे जाके। ये भाई अपना जहाज घुस रहा है लोक में, अभी देखो ये लोक की दीवार है इधर। ये शिप जो बनाया है ना इन्होंने, एकदम लोक की फिटिंग के बना रखे है बिल्कुल, एकदम दीवार से टच टू टच चलते हैं दोनों तरफ, उस तरफ भी, उस तरफ देखो और इस तरफ, दोनों तरफ टच टू टच जाते हैं एकदम। ये देखो ये जहाज हमारा चल रहा है, पानी है नीचे, तैर रहा है पानी में, और ये दीवार जा रही है साइड से, ये एकदम बिल्कुल टच टू टच, मतलब गैप इतना ही रहता है कि बस निकल जाए जहाज। अगले लोक में घुस रहे हैं जी। अब ये घर देख लो इनके, क्या ब्यूटी है एकदम है। ये नॉर्मल रोड है, यहाँ से अपनी गाड़ियां वाड़ियां चलती हैं। और ये घर देखो क्या ब्यूटीफुल बना के रखते हैं ये। अपना शिप आ रहा है जी, ये मेनली इनके बैकयार्ड है, जैसे अपने घर के पीछे गार्डन बना लेते हैं वो एरिया है ये। आगे इनके फ्रंट में सड़क होती है, वहां गाड़ी वाड़ी खड़ी करते हैं अपनी है। क्या ऑर्गेनाइज बनाया हुआ है यहाँ पे, जहाज का रास्ता, ये गाड़ियों का रास्ता है, और वहीं पर रेलवे लाइन है, और फिर उसके उधर साइकिल ट्रैक है। सही है ना, चारों तरह की ट्रांसपोर्ट एक साथ, वाटर, रोड, ट्रेन, साइकिल। बहुत तेज हवा चलने लगी भाई, बारिश भी आ गई है, ठंड लगने लगी है, थकावट भी हो रही है बहुत ज़्यादा, थक गया आज, बुरी हालत हो रही है। ये पीछे अपना रास्ता है, यहाँ पे जाएंगे अब, सिर्फ यहाँ से निकल के जाएगा सीधा। कैसा हो रहा है, पर ग्रीनरी अच्छी है यहाँ पे, एक बात है ग्रीनरी बहुत अच्छी है, सब ग्रीनरी रहता है बढ़िया।
हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। तो अब हम पोर्ट में पहुंच चुके हैं भाई। हमारी कस्टम इमिग्रेशन की फॉर्मेलिटी वगैरह है, कागजी कार्रवाई चल रही है अभी। सबके पासपोर्ट वगैरह में डिटेल विटेल भर रहे हैं, तो अब कस्टम वाले आएंगे, फिर सबको स्टैंप लगाएंगे। ओ जी, ये गर्मी, ये धूप, वीडियो में ऐसा ही लग रहा होगा ना देख के, पर मौसम बहुत अच्छा है, बढ़िया ठंडी हवा चल रही है। बाकी मैं नीचे से होके आया हूँ अभी होल्ड के अंदर से, तो इसलिए थोड़े पसीने से आ रहे हैं, थकावट हो रही है। और हम लोग अभी हैं भाई अमेरिका में, क्लीवलैंड है इस जगह का नाम, देखो पीछे बढ़िया जगह, एक नंबर है ये। यहाँ मैंने लास्ट टाइम आया था 2 साल पहले, प्रिया भी थी तब मेरे साथ जहाज पे, हम यहाँ सब जगह घूमे थे। यहाँ जाते थे हम रात को, यहाँ पे घूम के आते थे पूरी स्ट्रीट में। ये स्टेडियम है यहाँ पे, ये खेलते हैं अपना, इनका कौन सा स्पोर्ट्स है यार, वो रग्बी, हाँ रग्बी खेलते हैं यहाँ पे। फिर उधर स्टेडियम है, वहाँ पे म्यूजियम, सब जगह घूमे थे। बड़ी प्यारी जगह है, अच्छी मेमोरीज है यहाँ की। ये हम कार्गो लेके आए हैं यहाँ पे स्टील, ये मोटी मोटी रोड्स हैं एकदम ठोस, बर्मा ये स्टील यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं लोग, यूरोप से लेके आते हैं हम और फिर यहाँ डिस्चार्ज करते हैं। स्टील है और ये कोयल देख रहे हो, ये भी रोड है, ये भी मेटल की, तो इनको आई थिंक पिंगला पुंगला के कुछ और बनाते हैं यहाँ पे प्रोसेसिंग। तो जी साहब, डिनर भी हो गया है और अभी हो गए हैं शाम के 7:30। ये देख लो हमारी घड़ी 7:30 टाइम दिखा रही है, अभी 7:30 हो गए और बाहर अभी धूप ऐसी है कि जैसे दोपहर के 12 बज रहे हैं। देखनी है, लो दिखाता हूँ। ये देख लो जी, बाय द वे ये अपने डे रूम से नज़ारा है बाहर का, पहले आपको पता ही है। तो यहाँ से हमारे डे रूम से ये नज़ारा दिखता है जी, जब जहाज चलता है समंदर में तो ये सर। ठीक है भाई, तो आई थिंक आज का व्लॉग यही एंड कर देना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूँ और ऑलमोस्ट 35-36 घंटे हो लिए यार जगे हुए। अब जाता हूँ सोने, नहा लिया, फ्रेश हो गया, बढ़िया एकदम, अब आएगी नींद ज़बरदस्त। चलो फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में, यहाँ से निकलेंगे अब, तभी स्टार्ट कर पाऊँगा, क्योंकि यार अब बिजी शेड्यूल इतना हो गया ना जहाज का, तो जैसे ही शिप ज्वाइन हो जाता है तो शेड्यूल इतना बिजी हो जाता है कि वीडियो बनानी पॉसिबल सी नहीं हो पाती, तो जैसे जैसे इसमें टाइम मिलता है वैसे बना देता हूँ मैं। आई थिंक आप समझ पाओगे मेरी सिचुएशन। ठीक है, तो अभी के लिए ब्लॉग ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे फिर। ओके जी, बाय बाय, राम राम।